Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बॉलीवुड में किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के अफेयर की खबर आना आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि हीरोइनों के शादी से पहले प्रेग्नेंट की खबरें भी आई हैं। बॉलीवुड में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने प्रेग्नेंट होने के बाद शादी की। आइए देखते हैं शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली अभिनेत्रियों में किस किस का नाम शामिल है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी न सिर्फ शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई बल्कि वो बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने शादी से पहले अपने प्रेग्नेंट होने की बात मीडिया में अनाउंस की। उनका चक्कर बोनी कपूर के साथ चल रहा था। जब श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई तब बोनी कपूर शादीशुदा थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी मोना कपूर से तलाक लेकर साल 1996 में श्रीदेवी से शादी की। श्रीदेवी शादी के वक्त 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। शादी के 2 महीनों बाद श्रीदेवी ने जाह्नवी को जन्म दिया था। धड़कन और दिल है तुम्हारा जैसी कई सफल फिल्मों में काम करने के बाद महिमा चौधरी ने 2006 में शादी का फैसला किया। उन्होंने जितनी जल्दी शादी की उतनी ही जल्दी उनके प्रेग्नेंट होने की खबर भी सामने आई। महिमा चौधरी ने मुंबई के आर्किटेक्ट बॉबी चौधरी से 2006 में शादी की और शादी के कुछ ही महीनों के बाद बेटी को जन्म दिया। बता दे कि महिमा चौधरी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और इस खबर ने सबको चौंका दिया क्योंकि महिमा ने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी की भनक तक नहीं लगने दी थी। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन अपनी पहली पत्नी वानी से तलाक लेने के बाद अभिनेत्री सारिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। शादी से पहले कुछ समय बाद ही सारिका के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। 28 जनवरी 1986 को बेटी श्रुति हासन का जन्म हुआ। श्रुति के जन्म के लगभग 2 साल बाद 1988 को सारिका और कमल ने शादी कर ली। साल 1991 में सारिका ने अपनी दूसरी बेटी अक्षरा को जन्म दिया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर बॉलीवुड में आई अभिनेत्री सेलिना जेटली के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। 2011 में पीटर हॉक से शादी करने के 5 महीने बाद ही वो 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई थी। इससे ही उनके पहले ही गर्भवती होने की खबरों को बल मिला था। क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ अभिनेत्री नीना गुप्ता के रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चले लेकिन इस दौरान वो प्रेग्नेंट जरूर हो गई। दोनों ने कभी शादी नहीं की क्योंकि विवियन अपनी पहली बीवी को धोखा देना नहीं चाहते थे। नीना ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सिंगल पेरेंट की भूमिका निभाई और अपनी बेटी मसाबा को दुनिया के सामने लाई। एक्ट्रेस वीना मलिक ने 25 दिसंबर 2013 को दुबई के बिजनेसमैन असद बशीर खान से शादी की और कुछ ही महीने बाद अपने पहले बेटे अबराम को जन्म दिया। कहा जाता है कि वीना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी।